हे एवरीवन, आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी, वो भी बस 15 मिनटों में, बिना चाशनी और बिना मावे के। बेसन की बर्फी आप ये किसी भी तीज त्यौहार पर बना सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनती है और इसको 1 मंथ तक हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन और 1 कप घी। ये घर का घी है, आप मार्केट का घी भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है, इसी को आपको फॉलो करना है। फिर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें गैस ऑन कर दिया है और इस 1 कटोरी घी को हमें सारा एक साथ यूज़ नहीं करना है। मैंने अभी स्टार्टिंग में 1/2 कटोरी के करीब घी कढ़ाई में डाल दिया है और अपने 2 कटोरी बेसन को भी मैं घी में डाल दूँगी। पहले घी को अच्छे से हीट होने दूँगी। जैसे ही मेरा घी हीट हो जाता है, मैंने 2 कटोरी बेसन इस घी में डाल दिया है और अब इसको बहुत सॉफ्ट हाथों से घी और बेसन को मैं मिक्स करूंगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो रखा है अभी। जब तक हमारा घी और बेसन अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, हमें फ्लेम को लो रखना है। आप अगर मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि बेसन के जलने का डर रहता है, तो यहाँ पर हम लो फ्लेम पर अपना सारा बेसन को भूनेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगेगा इसको भूनने में, बट इसका रिज़ल्ट इतना आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा जो बेसन है थोड़ा सूखा रह गया है, तो मैंने उसमें 2 चम्मच घी और डाल दिया है। मैं आपको बता दूं कि जब बेसन भुनना शुरू होता है तो वो घी रिलीज़ भी करता है, तो आप स्टार्टिंग में सारा घी मत डालिएगा। देखिए, 2 चम्मच घी डालते ही मेरा बेसन जो है अच्छे से घी में मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी सूखा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच सूजी और इसमें डाल दूँगी। सूजी इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ कि सूजी का एक अच्छा सा क्रंच आएगा हमारी बर्फी के अंदर जब हम खाएंगे, और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सूजी ना डालें, बट सूजी का टेस्ट बहुत टेस्टी आता है। सूजी के साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाल दिया है, क्योंकि सूजी को भुनने के लिए भी तो घी चाहिए। देखिए, हमारा जो बेसन है वो अब भुनना शुरू हो गया है, उसने घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। जो लोग नए हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप तक आती रहे। इस बर्फी को बनाने का फ़ायदा यह है कि हमें इसमें चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग बेसन की बर्फी को अवॉइड कर देते हैं कि उनको चाशनी बनानी पड़ेगी, बहुत झंझट होता है, तो यहाँ पर हम चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। देखिए, हमारे बेसन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, भुनना शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है। बस इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। यहाँ हम चाशनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम पाउडर शुगर यूज़ कर रहे हैं। सिंपल चीनी को मिक्सी पर मैंने पीस लिया और 1 कटोरी पाउडर शुगर मैंने इसमें डाला है। अब पाउडर शुगर को अपने बेसन के साथ में हम मिक्स करेंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा सूखा सूखा हो गया जैसे हमने इसमें पाउडर शुगर डाली है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये सब हम लो फ्लेम पर कर रहे हैं, हम मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर डाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, जिससे कि हमारा जो बेसन है वो सूखा सूखा ना लगे और बहुत अच्छे से वो थोड़ा सा और भुन जाए। चीनी डालने के बाद हार्डली हम 2 मिनट इसको भूनेंगे, क्योंकि बेसन हमारा ऑलरेडी भून चुका है, बस हमने चीनी मिक्स करी है, इसीलिए इसको 2 मिनट और भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा घी मैंने और डाल दिया है और देखिए, ये भून के एकदम रेडी है, बिल्कुल थिक है। यहाँ अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये थिक हो रखा है, तो आप उसमें थोड़ा घी और डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने एक बर्तन में घी लगा के ऑलरेडी रेडी रखा था और जो हमारा बेस बर्फी के लिए जो हमने बनाया है उसको मैं अब अपने जो बर्तन है उसमें डाल दूँगी, जिससे कि हमारी बर्फी सेट हो जाए। मैं सारा का सारा बेसन उसमें डाल के और उसको थोड़ा सा इक्वली स्प्रेड कर दूंगी। आप अपनी एक स्पून की हेल्प से भी उसको स्प्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप उसको दूसरे बर्तन में जमाने के लिए रखेंगे बर्फी को, तो देखिए एकदम से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही मेल्ट हो गया है, बहुत ही पतला पतला मिक्सचर हो गया है,
ऊपर से मैंने इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ गार्निश किया है। तो डोंट वरी, ये एकदम जम जाएगा, बहुत अच्छी बर्फी बन के आएगी जब आप इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट और गार्निश कर दें ड्राई फ्रूट्स के साथ में। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख सकते हैं, और उसके बाद आप इसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए ये जम के एकदम रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसको पीसेस में कट कर देती हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप ऊपर से नट्स नहीं डालते हैं तो आपके पीस जो आप कॉर्नर पीसेस कट करेंगे बर्फी के, उनके कॉर्नर्स बिल्कुल फाइन निकलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे नट्स का यूज़ किया है तो नट्स प्रॉपर कट नहीं हो पाते हैं, तो कुछ बर्फी के कॉर्नर्स आपको थोड़े से हटे हुए लगेंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी बनके हमारी रेडी हो चुकी है, और ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, आप इसको 1 मंथ तक स्टोर करके भी रख सकते हैं।